तो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे YouTube चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा RRB ग्रुप डी के रिजल्ट के डेट एंड किस तरह से आप RRB ग्रुप डी के रिजल्ट किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्या क्या आपको जब डाउनलोड करेंगे क्या क्या चीज़ आपको आपके पास होना चाहिए, सब कुछ डिटेल में यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप वो डाउनलोड कर सकते हैं और कब डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि एक्सक्लूसिव ये जो न्यूज़ आया है इंडिया NDTP इंडिया के ऑफिशियल पेज जो है इसमें पेज आया है जिसके डेट है 11 जनवरी 2019 में। आप लोग देख सकते हैं 11 जनवरी 2019 में 9:41 में इसका जो डिटेल है पोस्ट हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सक्लूसिव RRB ग्रुप डी रिजल्ट विल बी ऑन दिस डे इन फेब्रुअरी। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं इसका डिटेल दिया आप लोगों को बताऊंगा कि क्या बोलना चाहते हैं या क्या डिटेल्स है इसका। तो दोस्तों, पहले यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि बोला गया है कि RRB ग्रुप डी रिजल्ट विल बी रिलीज्ड ऑन फेब्रुअरी 2018। द ग्रुप डी एग्जाम रन फ्रॉम नवंबर 17 टू दिसंबर 17। अ टोटल ऑफ 1.89 मिलियन कैंडिडेट अप्लाई फॉर 62,907 पोस्ट फॉर ग्रुप डी। तो दोस्तों, यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है कि 17 नवंबर से दिसंबर 17 तक इसका जो एग्ज़ाम हुआ था 1.89 मिलियन कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई किए थे एंड 62,970 पोस्ट ऑफ ग्रुप डी था। तो दोस्तों, इसके बाद आप लोगों को बताऊंगा कि मेन क्या डिटेल्स यहाँ पे बोला गया है। तो दोस्तों, आंसर विल बी रिलीज ऑन जनवरी 2018। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए कि आंसर की जो है 11 जनवरी, मतलब आज 11 जनवरी में रिलीज हो जाएंगे। इसके साथ साथ द रिजल्ट विल बी रिलीज ऑन फेब्रुअरी 18 एंड द एग्जामिनेशन रन फ्रॉम द 17 नवंबर टू 17 दिसंबर। तो दोस्तों, यहाँ पे फेब्रुअरी में आपका जो रिजल्ट है आपके मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB विल इशू ग्रुप आर की आंसर की ऑन 11 जनवरी। RRB एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंगराज मोहन टोल्ड NDTV RRB आंसर की विल बी रिलीज ऑन जनवरी 11, व्हाइल द रिजल्ट ऑफ RRB ग्रुप डी रिजल्ट विल बी रिलीज ऑन फेब्रुअरी 18। तो दोस्तों, यहाँ पे क्लियरली आप लोग देख सकते हैं कि जनवरी 11 में इसका जो आंसर की आपको मिल जाएगा एंड 18 फेब्रुअरी में इसका जो रिजल्ट है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे और एक जो डिटेल्स बोला गया है कि जो लोग अभी भी फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए यहाँ पे भी जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा, वो लोग जल्दी से जल्दी आप लोग फिजिकल के लिए प्रिपरेशन कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है वो फेब्रुअरी में आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको जो लोग क्वालिफाई करेंगे आंसर रिजल्ट की उसके बाद ही आप लोगों को यहाँ पे फिजिकल के लिए बुलाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी मैं आप लोगों को बताऊँगी जब आप रिजल्ट डाउनलोड करेंगे तो आपको क्या क्या आपको आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि कैंडिडेट कैन चेक द स्टेप गिवन बिलो एंड चेक द ग्रुप डी एग्जाम रिजल्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ स्टेप दिया हुआ है जिसको आपको फॉलो करके आपका जो रिजल्ट है आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे कैंडिडेट विल हैव टू गो टू द RRB वेबसाइट देयर रीजन टू चेक द रिजल्ट। तो दोस्तों, RRB के जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको वहाँ पे जाना होगा, उसके बाद आप जो रीजन के लिए आप अप्लाई किए थे आपको वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे क्लिक ऑन द ग्रुप डी रिजल्ट लिंक गिविन ऑन द वेबसाइट। तो दोस्तों, उसके बाद आपको ग्रुप डी रिजल्ट के लिंक में आपको क्लिक करना होगा एंड उसके बाद आपका बोला गया है कि आफ्टर एंटरिंग योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ यू विल हैव टू लॉग इन। तो दोस्तों, ध्यान रखें आपके पास आपका यूज़र आईडी एंड आपका डेट ऑफ बर्थ आपके पास होना चाहिए, उसके बाद ही आप लॉगिन कर सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों योर रिजल्ट विल कम ऑन स्क्रीन। तो दोस्तों उसके बाद ही आपका जो रिजल्ट है आपको मिल जाएगा, उसके बाद आप लोग वो प्रिंट कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पे बोला गया यू विल बी एबल टू प्रिंट आउट योर रिजल्ट। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो रिजल्ट है आपको मिल सकते हैं, आप लोग उस तरह से आपका जो रिजल्ट है आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ मैं, इस जो ब्रेकिंग न्यूज़ था उसको मैं आप लोगों के पास आने के लिए ये वीडियो बनाया था। अगर आप लोगों को पसंद आया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। थैंक यू।